वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये देखे हैं, ये असामियाँ खाली हैं। एमिनेशन डिप्लोमेंट डिप्लोमीर कैंट कराची नंबर 9 मुजदा असामी के लिए दरख्वास्त मतलूब हैं। शुक्र शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, थैंक्स। अच्छा जी, असामियाँ असिस्टेंट LDC गेट कीपर CDM CMD ड्राइवर कारपेंटर टेलर नायब कासद और UCM लेबर के लिए ये दरख्वास्तें मतलूब हैं। ये आप तमाम देख सकते हैं, आपके सामने तमाम मालूमात लिखी हुई हैं सर, ठीक है जी। उसके बाद ये आई थिंक ज़्यादा ज़्यादा ये तजर्बा तलीमी काबिलियत तजर्बे की बुनियाद पर रखेंगे। जब तो सबसे ज़्यादा ये तलीमी काबिलियत देखी जाती है, ठीक है जी। इसकी तालीम ज़्यादा हो MBBS BA BSc BCom और या मसावी, ये पहले स्केल पे पहले जो नंबर पे है असिस्टेंट, ये 15 स्केल पे ये भर्ती होगी। काफ़ी अच्छा स्केल है जी, 15वां स्केल, ठीक है जी। ऑफिसर्स होते हैं सब 15वें स्केल पे। तो सुबाई कोट में खैबर पख्तूनख्वा आता है जी, एक इसकी एक असामी खाली है। उसके बाद दूसरे नंबर 5 असामियाँ खाली हैं। ये मैट्रिक डिवीज़न पे सिर्फ कंप्यूटर स्पीड टाइपिंग स्पीड 40 WPM वर्ल्ड पर मिनट होनी चाहिए जी। पंजाब 3 होगी जी, इसमें सिंध 1 ही होगी और गिलगित बल्तिस्तान फाटा में 1 होगी। गेट कीपर पंजाब होगा जी, स्पाई कोटे में अप्लाई कर सकता है जी। CMD जो है ड्राइवर, उसके बाद पंजाब से ये भी अप्लाई करता है। इसकी 2 असामी खाली है, मिडिल पास और मैट्रिक, आप देख सकते हैं। आप अफराद को तरजीह दी जाएगी, उम्र की हद 45 साल जी। कारपेंटर टेलर और सर्चर नायब का सद UC, ये सब तमाम पंजाब टेलर पंजाब से भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये आखिर में हैं 3, ये सिर्फ मुकामी यानी कि सिंध से ही ताल्लुक़ रखते हों जी, ठीक है। मिडिल पास टेलर और जो प्राइमरी पास तमाम ये 3 आखिरी नंबर पे हैं जी। ये दरख्वास्त मतलूब है जी, ये दरख्वास्तों के ये आप ये तमाम पढ़ें और इसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये अप्लाई कर सकती हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद आखिर पे ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया जी, ये कमांडेंट एमिनेशन डिप्लोमेट काइंड कराची जी, ये टेलीफोन नंबर दिया। आप अगर मालूमात लेना चाहें तो ये मालूमात ले सकती हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये कैसे हम अप्लाई करें, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने जी। फुल नेम, फादर नेम, डोमिसाइल प्रोविंस एंड डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, CNSA, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी। आखिरी तारीख जो 31, एज एज ऑन 31 अक्टूबर 2018, आई थिंक इसकी 31 अक्टूबर 2018 ही आखिरी तारीख होगी, इसलिए इन्होंने एज का पूछा है कि एज आपकी 31 अक्टूबर 2018 तक कितनी हो चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद फ़ोन नंबर, मेलिंग एड्रेस, उसके बाद ये मैट्रिक अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, जॉब डेजिग्नेशन, उसके बाद ड्यूरेशन कितने साल किया है, एक्सपीरियंस आपने नौकरी की है कहाँ की है और किस शोबे में की है, ठीक है जी। आप अपना एक्सपीरियंस डिटेल्स लिख सकते हैं, उसके बाद अपने सिग्नेचर करके ये तमाम कर सकते हैं।